दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जारी। सीएम शिवराज और मन सिंह और योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। मिशन न्यू इंडिया 2022 की हो रही है समीक्षा। 23 जून को पीएम मोदी के इंदौर और रायगढ़ दौरे को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारी। डीजीपी ने ली पुलिस अधिकारियों की बैठक। सभा स्थल का लिया जायजा। भोपाल में भर्ती घायल एएसआई की हालत गंभीर। चेकिंग के दौरान वाहन ने मारी थी टक्कर। पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला किया दर्ज। भोपाल में बहुजन संघर्ष दल का संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ आंदोलन। दशहरा मैदान से होगा चुनावी शंखनाद। भीमराव अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर भी होंगे शामिल। बालाघाट में नक्सली साजिश नाकाम। 3 किलो विस्फोटक 2 डेटोनेटर बरामद। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे माओवादी। शाहजहांपुर में हालात काबू में। कल शौर्य यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी के बाद लगाई गई थी धारा 144। 40 लोगों को लिया गया हिरासत में। 100 से ज्यादा पर एफआईआर दर्ज। कानपुर देहात के थाना मूसा नगर में पुलिस खुलेआम कर रही है अवैध वसूली। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी भी शामिल। ओवरलोड वाहनों से कभी भी हो सकता है हादसा। पेंड्रा में किसान सुरेश सिंह मरावी की मौत पर सियासत तेज। जेसीसीजे कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव। मौत के मामले में पेश की गई रिपोर्ट को बताया गलत। नए सिरे से जांच की मांग। रायपुर में डीएडबीएड प्रशिक्षित संघ के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर। 52,000 शिक्षकों के वित्त पद न भरने का कर रहे हैं विरोध। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कराया मुंडन। और महाराष्ट्र पहुंचकर कमजोर पड़ा मानसून। मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों को करना पड़ेगा इंतजार। 25 जून के बाद देगा दस्तक।